डॉक्टर को नहीं दिखाया, बुला लो। हमारे दिक्कत आ रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं लगाई किसी ने? अभी अभी नहीं लगा। कब से भर्ती है? क्या नाम है आपका? चांदनी। हमारा नाम राधा। अभी दो घंटे हो गए। कोई डॉक्टर डॉक्टर देखने नहीं आया? अभी नहीं आया। ऑक्सीजन कैसे उपलब्ध कराई जाती है? नहीं, ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पास है, तो पूरे हॉस्पिटल की सप्लाई जहाँ से होती है वहाँ से स्टार्ट कर दिया जाता है, प्लांट चलता रहता है। और बाकी मैनुअल के लिए हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल है, जो हर वार्ड में होते हैं, इमरजेंसी में भी होते हैं। जरूरत कुछ लोगों का कहना है कि ऑक्सीजन प्लांट चलता ही नहीं, जब कोई अधिकारी या नेता आते तब चलाया जाता है ये? नहीं, ऑक्सीजन प्लांट जब कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी को रहता तब ऑक्सीजन प्लांट की सप्लाई दी जाती है। वैसे तो मैनुअल सिलेंडर से ही व्यवस्था करते हैं, सिलेंडर से चल रहा ऑक्सीजन हमारी सप्लाई। हरदोई जिले का जिला अस्पताल यूँ तो आए दिन अपनी लापरवाहियों के चलते चर्चा का विषय बना रहता है और सुर्खियां बटोरता नजर आता है, मगर आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लगे ऑक्सीजन प्लांट की, जो कि महज दिखावे के लिए ही लगा हुआ है। बता दें कि एक ऐसा मामला संज्ञान में आया है जहाँ पर एक पीड़ित महिला सांस की दिक्कतों से जूझती रही और ऑक्सीजन के लिए तड़पती रही, मगर यहाँ पर लगा ऑक्सीजन प्लांट महज दिखावे के लिए ही लगा खड़ा रह गया। वहीं जब इस संबंध में डॉक्टरों से बात की गई तो उन्होंने मरीजों की संख्या ज्यादा होने पर इस प्लांट को शुरू किए जाने की बात कही। हरदोई से ईटीवी के लिए आकाश शुक्ला।